अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू क्रिएट अ फ्री वेबसाइट। ठीक है, कि आपने फ्री वेबसाइट कैसे बनानी है और उस पर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करके उसको कैसे डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो सबसे चलते हैं यहाँ पे गूगल पे। एक वेबसाइट है pantheon.io। ठीक है, आपने सबसे पहले जाना है इस पर, इसको कर लेना है आपने न्यू टैब में ओपन। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है स्टार्ट फ्री। ठीक है, स्टार्ट फ्री पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे साइन अप मांगेगा। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया होगा तो उसको सिंपली लॉगिन करना है यहाँ से। अगर आप न्यू हैं तो आपने क्या करना, सिंपली इसको साइन इन विद गूगल कर लेना है। ठीक है, ये मेरे पास मेरी जीमेल है। ठीक है, इसके थ्रू ही मैंने इसको कर लिया है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह का जो इसका डैशबोर्ड है वो शो हो जाएगा। इंटरनेट मेरे पास स्लो है, शायद इसलिए ये टाइम ले रहा है। अच्छा जी, आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले आपने क्या रखना है, अपना नाम चूज़ करना है। मैंने रख लिया अपना नाम। ठीक है, यहाँ पे लास्ट नेम, यहाँ पे आप अपनी करनी है सिलेक्ट कंट्री। ठीक है, कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। अगर आप ये पूछ रहे हैं आर यू एजेंसी, ठीक है, आपने नो पे क्लिक कर देना, आई एग्री, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। ठीक हो गया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने क्लिक करना है क्रिएट अ साइट पे। ठीक है, जब आप क्रिएट अ साइट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आपसे मांगेगा कि आपने इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। ठीक है, क्योंकि हमने तो अपनी वेबसाइट को वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास लोड हो रहा है। ठीक है, ये आपको आपकी वेबसाइट पे डिप्लॉय कर देगा वर्डप्रेस को। ठीक है, अपनी साइट का जो भी आपने नाम रखना है। ठीक है, अच्छा जी, मैं अपनी वेबसाइट का नाम रख रहा हूँ मेंटल हेल्थ, ये मेरी वेबसाइट का नाम है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको आपने यूनाइटेड स्टेट ही रहने देना। ठीक है, मैं इसको कर रहा हूँ कंटिन्यू। अच्छा जी, वो कह रहा है मेंटल हेल्थ ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, मैं क्या कर देता हूँ, मेंटल हेल्थ केयर कर देता हूँ। ठीक है, अब चेक करते हैं इसको, मेंटल हेल्थ केयर प्लीज श्योर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, डॉग फूड्स ये कर देता हूँ। अच्छा जी, वो कह रहा है डॉग फूड आर रेडी एग्जिस्ट। ठीक है, अच्छा जी, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। ठीक है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मैंने चूज़ किया है नाम, क्योंकि जो नाम मैं पहले सिलेक्ट कर रहा था वो ऑलरेडी किसी ने बाय किए हुए। ठीक हो गया, तो हम क्या करेंगे, कोई ऐसा नाम रखेंगे जो ऑलरेडी किसी ने यूज़ ना किया हो। ठीक है, उसके बाद ये डिप्लॉय कर रहा है आपकी वेबसाइट पे वर्डप्रेस। ठीक है, डिप्लॉइंग CMS। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेगा, तो उसके बाद क्या है कि आपकी साइट जो है वो रेडी हो जाएगी। ये हमारी वेबसाइट पे हो गया है डिप्लॉय वर्डप्रेस। ठीक है, आपने उसके बाद क्या करना है, विजिट, सिंपली करना है विजिट योर पेंटिन साइट डैशबोर्ड। ठीक है, आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने उस पर करना है वर्डप्रेस इंस्टॉल। ठीक हो गया।
ये लोड हो रहा है डैशबोर्ड, ठीक है ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने सिंपली इसको न्यू टैब में ओपन कर लें या इसी पे ही क्लिक कर दें, या यहाँ से आपने जो है वो अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है यूनाइटेड स्टेट, तो यूनाइटेड स्टेट ही हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपनी साइट का नाम रखना है, ठीक है। अच्छा जी, मैं मेरी हेल्थ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है, ठीक है, तो मैं फ़िलहाल उसी का ही मेंटल हो गया। यहाँ पे आपने यूज़र नेम रख देना है, ठीक है, मैं यूज़र नेम रख रहा हूँ सिर्फ एडमिन। पासवर्ड जो आपने जो भी अपना क्रिएट करना हो, ठीक है, वो आपने क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी मेल दे देनी है, यही मेरी ईमेल है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना है, तो ये आपकी वेबसाइट पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक हो गया। ये देखें, यहाँ से इसको सिंपली लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने इसको, ये आपका वो यूज़र नेम आ गया, ये आपका नीचे पासवर्ड आ गया, ठीक है। ये देखें, ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आपके सामने है। अच्छा जी, अगर आपने इसको विज़िट करना है, विज़िट करने के लिए आपने यहाँ पे चले जाना है, ये आपके पास आ गया इस तरह का, ठीक है। अगर आपने यहाँ से इस पर कोई प्लगइन इंस्टॉल करना है, कोई थीम इसकी चेंज करनी है, ठीक है, यहाँ पर आ जाना है। मैं आता हूँ जी यहाँ पर, मैंने यहाँ पर थीम इंस्टॉल करनी है, मुझे ये इनमें से अगर कोई भी नहीं पसंद, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, न्यू पे आ जाऊंगा। न्यू पे आने के बाद मैंने यहाँ से कोई भी है जो इंस्टॉल कर लेनी है, नहीं जी, ये आपके पास आ गई हैं फ्री वाली सारी थीम्स, ठीक है। मैं कहता हूँ जी मुझे करना है ये एक्स्ट्रा, तो मैं एक्स्ट्रा को करूँगा इंस्टॉल, इंस्टॉल करने के बाद करूँगा इसको एक्टिव, ठीक हो गया। अगर आपके पास इस तरह का इंटरफेस हो रहा होगा, तो आपके पास थीम चेंज करने के बाद अगर मैं इसको रीलोड करूँ, तो ये इस तरह का हमारे पास होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। अभी लोड हो रहा है, ये इस तरह का, ठीक है, क्योंकि अभी इस पर फ़िलहाल कोई कंटेंट वगैरह नहीं है, तो इसलिए इस तरह का ये आपके पास ही हो रहा है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर डमी कंटेंट डालता हूँ या एक पोस्ट करके देखता हूँ, ठीक है, तो फिर इस पर हम देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है, ठीक हो गया। चलें जी, इस पर करते हैं एक अपनी पोस्ट। पोस्ट करने के बाद हम चेक करेंगे कि इस पर हमारी जो थीम है उसकी लुक क्या आ रही है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि फ्री में भी आपको ये सारा कुछ मिल रहा है, ठीक है। अगर आपके पास पेड है, तो उसमें जो चीज़ें हैं वो कुछ फ्री वाले में, सॉरी, कुछ चीज़ें लिमिटेड होती हैं, ठीक है, हॉस्टिंग वगैरह जो है इसकी, और दूसरे जो है इसके थीम वगैरह, प्लगइन्स वगैरह, ये फ्री वाले में आपके पास थोड़े से लिमिटेड होंगे, ठीक है। चलें जी, इस पे हम करते हैं एक पोस्ट, ठीक हो गया। मेरे पास कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है, तो मैं उसी को ही इस पे पब्लिश करता हूँ, तो फिर देखते हैं कि यहाँ पे आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना टाइटल पेस्ट कर देना, ठीक है। मेरे पास कुछ कंटेंट है, तो मैं इसी को ही कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अगर मैंने इसको नॉर्मली अपना टाइटल, ये हो गया मेरा टाइटल, ठीक हो गया। अगर आपने इसमें से कोई पिक्चर यूज़ करनी है, आपने क्या करना है जी, आपने सिंपली यहाँ पे आ जाना है, पिक्चर इमेज पे आ जाना है। अगर आपके पास लाइब्रेरी में कोई पड़ी हुई है, तो आपने उसमें से सेलेक्ट कर लेना, नहीं तो आपने क्या करना है, इधर से अपने लैपटॉप से जो भी आपको पिक्चर अच्छी लग रही हो, जो या जो आपने कंटेंट में यूज़ करनी हो। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कोई पिक्चर उठा लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट, सेट फीचर इमेज, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गई। अब आपने क्या करना, सिंपली इसको पब्लिश कर देना, ये आपकी फीचर इमेज लग जाएगी, ठीक हो गया। इसको कर देना पब्लिश। पब्लिश करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है
सिंपली अपनी साइट को चेक करना है। ये देखिए आपके पास इस तरह की लुक आ गई, ठीक है। ये नीचे आपका कंटेंट आ गया, ठीक हो गया। तो बाकी क्या है कि आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, प्लगइन है, पेजेस है, आपने जो भी जो चीज़ें क्रिएट करनी है, ये मीडिया है, ठीक है। यहाँ पे इसकी सेटिंग है, अगर आपने मेन्यू क्रिएट करना तो यहाँ से आप मेन्यू को आप सेट कर सकते हैं। अगर आपने पेजेस बनाने हैं अबाउट अस प्राइवेसी पॉलिसी तो आपने यहाँ से पेज प्री क्रिएट कर लेने, ठीक है। तो आपको फ्री में मिल रहा है, ना आपको होस्टिंग की ज़रूरत है, ना ही आपको डोमेन बाय करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। तो दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।